राहुल गांधी के पीपलिया मंडी दौरे को लेकर सिंधिया फैंस क्लब के नगर अध्यक्ष समीप चौधरी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर राहुल गांधी की सभा की रूपरेखा सार्वजनिक की। साथ ही नीमच शहर से 75,000 किसान को सभा में ले जाने की बात कही। 6 जून को किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने आ रहे राहुल गांधी के दौरे को लेकर सिंधिया फैंस क्लब के नगर अध्यक्ष समीप चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की रूपरेखा सार्वजनिक की। श्री चौधरी ने बताया कि राहुल गांधी की पीपलिया मंडी सभा का मूल उद्देश्य किसानों को गाँव से इकट्ठा करना और किसान आंदोलन को सफल बनाना है। साथ ही कहा कि नीमच शहर से 75,000 किसान पीपलिया मंडी राहुल गांधी की सभा में पहुंचेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। नगर अध्यक्ष श्री चौधरी ने सीएम की भावांतर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसान के साथ छल करने के लिए ये योजना बनाई गई है। भावांतर योजना से पूर्व 7 से 8 रुपए किलो प्याज बिकता था, लेकिन योजना के बाद प्याज की कोई बोली लगाने को तैयार नहीं। भावांतर योजना से ना तो किसानों को लाभ है ना ही व्यापारियों को। इस योजना से बिचौलिए और दलाल लाभ उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी की आम सभा को लेकर जोर से थोड़ा 6 जून को राहुल गांधी जी आ रहे हैं श्रद्धांजलि सभा देने, सभा करने। 6 किसान जो शहीद हुए थे हमारे किसान भाई, उस सभा को संबोधित करने के लिए हमने ये आयोजन रखा गया है। प्रेस वार्ता रखी गई और सब किसानों में हमारा ये मैसेज जाए कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस आयोजन को सफल बनाए, इस सभा को सफल बनाए। किसान आंदोलन को लेके नहीं की गई है इसको, किसान आंदोलन में जो शहीद हुए 6 किसान उनको श्रद्धांजलि सभा के लिए रखा गया है। कार्यक्रम राहुल जी ने जो सभा रखी है, जो किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हमारे किसान भाई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये भी है इसमें कि 6 किसानों को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन कहती है कि हमने गोलियां नहीं चलाई है, और अभी तक ये सरकार और प्रशासन ये पता नहीं कर पाया है कि इन किसानों के ऊपर, हमारे किसान भाइयों के ऊपर किसने गोली चलाई। श्री चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन पूरी ताकत से राहुल गांधी के दौरे को नाकाम करने में लगा है। यहां तक बस संचालकों को भी दबाव देकर कार्यक्रम में बस लगाने से मना कर रहा है। सीएम शिवराज के मंदसौर दौरे पर भी श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सभा के दौरान गाँव में 200 रुपये देकर महिलाओं की जूती साड़ी का लालच देकर भीड़ जुटाई है। कार्यक्रम के पश्चात जिन लोगों को बसों में गाँव से लेकर आए थे उन्हें दोबारा छोड़कर भी नहीं आए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर भीड़ जुटाने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी और कुछ दिन पहले चला इस्तीफे का दौर भी मीडिया कर्मियों ने संदीप चौधरी से चर्चा की, लेकिन इस बात को टालते हुए कहा कि वे इस्तीफा मात्र सोशल मीडिया तक ही सीमित रहा।